नीट पेपर लीक व नर्सिंग घोटाले के खिलाफ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस सुप्रीमो मितेंद्र दर्शन सिंह और विश्वजीत सिंह चौहान की जोड़ी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर दम दिखाया और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संसद पर हमला बोलकर प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। मितेंद्र और विश्वजीत की जोड़ी ने दिल्ली में दिखाया दम। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन। एमपी के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया संसद का घेराव। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ संसद का घेराव। मितेंद्र और विश्वजीत ने दिखाई अपनी ताकत। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा विरोध तेज होने लगा है। भारतीय युवा कांग्रेस सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 जून को संसद घेराव किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह और खंडवा लोकसभा प्रभारी विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एमपी की इस युवा जोड़ी ने मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाले का मुद्दा भी उठाया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान युवा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता आक्रामक विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है। लिहाजा मितेंद्र न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं बल्कि सरकार के खिलाफ हुंकार भी भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नई दिल्ली।